नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जौनपुर से सीधे रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। लेकर आया हूं आज तो बता दूं क्या बताओ, तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4, और मोदी जी ने 4,90,000 कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। 19,11,000 करोड़ एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया, 3,40,00,000 गरीबों के घर में 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, 2,35,00,000 लोगों को घर में शौचालय दिया, 14 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया, 2 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया, 50,00,000 लोगों को घर दिया, गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, IIIT लखनऊ में और वाराणसी में निफ्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी। और मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? पक्का लगा है ना? 4 आना भी लेना पड़ा है, देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया है या नहीं लगाया? अरे राहुल बाबा और अखिलेश उस वक्त क्या कहते थे, ये मोदी टीका है मत लगाइयो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है मड़ियाहू वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं है, आप लोगों ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरा देश टीका लगा रहा है, तो एक दिन अंधेरे में रात को बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा है, वो भी टीका लगा। अरे शर्म करो राहुल बाबा, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सबसे पहले टीका बनाकर दुनिया में सबसे पहले भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं देश भर में घूम कर आया हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जहां जाता हूं एक ही नारा लगता है, मोदी 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 के। मगर एक मिनट के लिए सोच लो, ये इंडी एलायंस वालों को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा भी? है कोई? है कोई? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं क्या? और हंसना मत हो जरा भी, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अब मैंने उनको पूछा, वो जवाब नहीं देते थे। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप ये बताओ आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेंगे। बोले मड़ियाहू वालों, ऐसे देश चल सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है, उसको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, और वो मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है भाइयों? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं।
मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये अखिलेश बाबू और राहुल बाबा की पार्टियां राम मंदिर को लटकाती रही, हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, राम सेवकों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव।